हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का टॉपिक ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता बुक में दिए गए हैं उनके चारों ऑप्शन और क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट वन, साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक आर मॉड्यूलर ब्रिक शुड बी 19x9x9 सेंटीमीटर एंड विथ मोर्टार बिकम्स 20x10x10 सेंटीमीटर। यदि आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक का साइज पूछा जाता है तो 19x9x9 सेंटीमीटर, ठीक है, और mm में होगा तो 190 90 90 mm, और मोर्टार के साथ पूछा जाता है तो 20x10x10 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ब्रिक देते हैं लेकिन ऑप्शन ये वाला आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन आप टिक करोगे। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग इज टू फॉर्म अ की फॉर होल्डिंग द मोर्टार एंड देयरफॉर द ब्रिक्स आर लेड विथ फ्रॉग्स ऑन टॉप। ब्रिक में जो फ्रॉग बनाया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, वो फॉर्म करता है की फॉर होल्डिंग द मोर्टार, मोर्टार को होल्ड करना, और ब्रिक्स को, इसीलिए ब्रिक को, ब्रिक में जो फ्रॉग होता है उसको टॉप पे रखा जाता है। जब मेसनरी वर्क किया जाता है तो ब्रिक के फ्रॉग को टॉप पे रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। गुड ब्रिक की यदि हम बात करते हैं, गुड ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से अधिक नहीं होना चाहिए उसके ड्राई वेट के, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ पर ड्राई वेट की बात हो रही है यहाँ पर, व्हेन केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa आर न्यूटन पर mm² फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक, और सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 7 N पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, एफ्लोरेसेंस फॉर्मेशन ऑफ वाइट पेचेस ऑन द ब्रिक सरफेस ड्यू टू इनसॉल्युबल सॉल्ट इन द ब्रिक क्ले। जो क्ले होती है, जिस क्ले से हमने ब्रिक बनाया है, यदि उस क्ले में इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे तो ब्रिक में वाइट पेचेस आ जाते हैं उसकी सरफेस पे, तो उसको कहा जाता है एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, तो क्ले में इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला होता है सिलिका, जिस क्ले का हमने यूज़ किया ब्रिक में, ठीक है, ब्रिक बनाने के लिए, तो उसमें इंग्रेडिएंट होगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज यदि हम बात करते तो सिलिका होता है 50-60%, और इसका क्या वहाँ पर वर्क होगा ये हम देख लेते हैं। सिलिका का क्या कार्य होता है, इट एनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप एंड इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। यदि हम सिलिका की बात करते हैं तो ये ब्रिक को उसके शेप में, जिस शेप में हमने ब्रिक को बनाया है वो उसी शेप में रहें, तो उस शेप में रिटेन करने का काम कौन करता है, सिलिका करता है। सिलिका ब्रिक को ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है, उसको श्रिंकेज और वार्पिंग से रोकता है, ये काम हो गया सिलिका। लेकिन यदि सिलिका एक्सिस में हो जाता है, मतलब 60% से यदि सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिलिका मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोहेजन। यदि सिलिका की मात्रा 60% से अधिक हो जाती है तो उस केस में ब्रिक ब्रिटल हो जाएगी, वीक ऑन बर्निंग, और इस कारण क्या होता है कि उसका जो कोहेजन होगा वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है एल्यूमिना, 20-30%, तो लगभग 25%, ठीक है, 20-30% के बीच में 25% ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी प्रदान करता है एल्यूमिना ब्रिक को, यदि 20-30% के बीच होगा। नेसेसरी फॉर मोल्डिंग ब्रिक्स इनटू रिक्वायर्ड शेप, ताकि हम ब्रिक को आवश्यकता अनुसार शेप में मोल्ड कर सके। तो यहाँ पर दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। सिलिका में हमने देखा था कि शेप में रिटेन करता है सिलिका,
और शेप उसको रिक्वायर्ड शेप में मोल्ड करना है तो वो एल्यूमिना उसको प्रदान करता है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एल्यूमिना का काम होगा ब्रिक को जो हमें आवश्यकता उस शेप में बनाने का, और सिलिका का काम होता है उस शेप में उसको रिटेन करने का। यदि एक्सिस में एल्यूमिना होता तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक टू क्रेक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। जब ब्रिक को हम ड्राई करते हैं तो उस केस में ब्रिक क्या होगी, क्रेक्स आएंगे उसमें और वार्पिंग होगी यदि एल्यूमिना एक्सिस में हो। आयरन ऑक्साइड लेस देन 7% होगा गुड ब्रिक के लिए, ये ब्रिक को रेड कलर देता है और उसकी इम्परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमने तीन यहाँ पर इंग्रेडिएंट जो है इसके इम्पोर्टेंट वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे ब्रिक में। यदि ब्रिक में एल्कलाइज या ऑर्गेनिक मैटर है या एक्सेट्रा, यहाँ पर और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, तो वो हार्मफुल होंगे ब्रिक में। ठीक है, जिस क्ले से हमने ब्रिक बनाई है यदि उसमें एल्कलाइज या ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो वो हार्मफुल होगा। प्रेजेंस ऑफ वीट्स इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक अनसाउंड। यदि वीट प्रेजेंस होगा ब्रिक अर्थ वर्क में तो वो ब्रिक को अनसाउंड बना देता है। यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब होता है, ग्लेजिंग इज यूज्ड टू मेक अर्थवेयर इम्परवियस। उसको क्या बना देता है, ये अर्थनवेयर जो होगा उसको इम्परवियस बना देता है ग्लेजिंग का, यदि हम यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इन्ग्रेडियंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एन नीडिंग। नीडिंग को क्या कहा जाता है, नीडिंग का मतलब होता है कि मिक्स करना क्ले वाटर और अदर इन्ग्रेडियंट को। जब ब्रिक बनाया जाता है तो इन इन्ग्रेडियंट को आपस में मिक्स किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है नीडिंग। और ये जो प्रोसेस है नीडिंग की, ये कहाँ की जाती है, पग मिल में। यदि गुड ब्रिक की बात करते हैं तो ये प्रोसेस पग मिल में की जाती है, और पग मिल का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेंगे। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स इट इज़ असेंशियल टू ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले आर सेंड एस डीम्ड अप्रोप्रिएट, एंड पग मिल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले एंड टेम्परिंग ऑफ दिस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर दिया गया है इसकी टेम्परिंग की जाती है, इसकी ग्राइंडिंग की जाती है, उसको कहा जाता है पग मिल। ये जो होता है ये कहाँ पर होगा, पग मिल में। ठीक है, और यदि गुड क्वालिटी की ब्रिक मैन्युफैक्चर करना है तो ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले आर सेंड, ब्लेंडिंग होती है क्ले या सेंड से, और पग मिल में इन मिक्सचर को ग्राइंडिंग किया जाता है, टेम्परिंग की जाती है, और जो हमें क्ले की आवश्यकता है, जिस क्ले से हमें ब्रिक बनाना है उस क्ले को बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले मतलब आवश्यकता अनुसार हम उसमें इन्ग्रेडियंट मिक्स करते हैं और गुड क्वालिटी ब्रिक बनाने के लिए उस क्ले को तैयार करते हैं। नेक्स्ट, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न ब्रिक। इंटरनल साइज मोल्ड का जो होगा उसका साइज ग्रेटर देन होगा किसके कंपेयर में, फुली बर्न ब्रिक, क्योंकि जब बर्न किया जाता ब्रिक को तो वो श्रिंक हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। ब्रिक्स आर बर्न एट टेम्परेचर रेंज ऑफ 900 डिग्री टू 1200 डिग्री सेल्सियस। एडवांटेज ऑफ क्लेम कंपेयर्ड टू किल्न फॉर बर्निंग ब्रिक्स इस डेट इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट। यदि हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं क्लेम और किल्न, बर्निंग ब्रिक्स, यदि ब्रिक की हम यहाँ पर स्टेप देखते हैं तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी, क्ले को प्रिपेयर करना है, ठीक है, नीडिंग करना है, पग मिल में उसकी टेम्परिंग ग्राइंडिंग होगी, ग्राइंडिंग के बाद उसकी मोल्डिंग होती है, मोल्डिंग के बाद उसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई के बाद उसको बर्न किया जाता है। ये जनरल प्रोसेस है ब्रिक मैन्युफैक्चर करने की। तो यहाँ पर बात की गई है यदि हम ब्रिक को बर्न करते हैं किल्न और क्लेम्प की सहायता से, तो जो क्लेम्प होता है, ठीक है, क्लेम्प की जो कॉस्ट होगी लेस होगी इनिशियल कॉस्ट क्लेम्प की किसके कंपेयर में, किल्न के कंपेयर में। फायर ब्रिक और रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज अ ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टरी सेरेमिक मटेरियल यूज्ड इन लाइनिंग फर्नेस किल फायर बॉक्स एंड फायर प्लेसेस। जो फायर ब्रिक होती है या रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, लाइनिंग फर्नेस, फर्नेस की लाइनिंग के लिए, किल्स में, फायर बॉक्स या
फायर प्लेसेस, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है फायर ब्रेक। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, यदि इसके बाद आप गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस करोगे ब्रिक्स के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम के आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन थे उन ऑप्शन से भी जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।